हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनो जोन। आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्री फायर मैक्स गेम के अनदर धमाकेदार गेम प्ले के बारे में। आप लोग जानते हैं इस गेम से रिलेटेड 5 गेम प्ले वीडियोस मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूं। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किए, चेकआउट जरूर करें। बहुत ही धमाकेदार गेम प्ले गया था हम लोगों का यहाँ पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल की हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग एंजॉय कर सके ऐसी और भी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग गेम्स की गेम प्ले वीडियोस को। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आ चुके हम लोग यहाँ पर हमारी गेम की मेन स्क्रीन पर। दिख रहा है आपको हमारा कैरेक्टर यहाँ पर और साथ में हमारा जो पेट है जीनी। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारी गेम के जो ग्राफिक्स थे वो मैंने मैक्स कर दिए हैं, क्योंकि हम लोगों का न्यू डिवाइस आ चुका है यहाँ पर यार। तो आपको हमारे चैनल की पुरानी जो हम गेम्स खेलते थे वो 12 की 12 गेम्स दोबारा मिलने वाली है। साथ में हम लोग यहाँ पर एक न्यू गेम स्टार्ट करने वाले हैं। देख सकते हैं आप लोग, हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर गेम की स्टार्टिंग लॉबी की तरफ। यहाँ पर आपको लॉबी के अंदर जितने भी करेक्टर्स आने वाले हैं वो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। आप यहाँ पे कर सकते हैं अपना हाथ गर्म, जैसे कि मैं कर रहा हूँ इस समय। देख सकते हैं आप कर सकते हैं यहाँ पर आप एम प्रैक्टिस। अगर आपके पास यहाँ पर गन है तो भाई सुभान अल्लाह, मजे आने वाले हैं आपको। अच्छा, अगर आप गेम को खेलते हैं एकदम मैक्स ग्राफिक्स में तो आपको पीछे एक स्क्रीन मिलती है। ओ भाई, वेनम दिख रहा है सामने की तरफ। अरे वाह, अटेंशन टू डिटेल्स भाई। अगेन यहाँ पर टिप शो हो रही है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और ये हम आ चुके हैं यहाँ पर हमारी मेन लॉबी के अंदर। अब आएगा ना मजा बिडू। यस, आ जाओ खेलते फटाफट से। अब आई गेस इसको देते हैं हम लोग, लोकेशन मार्क कर देता हूँ और इन भाई साहब पे भरोसा करते हैं हम लोग, दिखते हैं कहाँ उतारता है। अब बाय चांस अब ये गलत जगह उतरा तो कोई बात नहीं भाई, देख लेंगे, संभाल लेंगे, क्या दिक्कत वाली बात है इसमें। लोकेशन मार्क कर दिया मैंने, देखते हैं। आई का रिस्पॉन्स नहीं है इसका, तो हम लोग उतर जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये वहाँ उतर नहीं रहा। अबे देखो मुड़ गया वो। क्योंकि मैं लोकेशन वही मार्क कर रखी थी, वो उतरा नहीं था, तो जब मैं लैंड हुआ तो वो भी लैंड हो गया। वो भी कह रहा होगा भाई स्कैम कर दिया सुबह सुबह। चलते हैं यहाँ से हम लोग आगे। आप लोग जानते हैं भाई, उतरते ही आपको भागना है यहाँ पे पहली फुर्सत से भाई साहब। ना आपने लेफ्ट देखना ना राइट देखना, सीधा भाई साहब गन की तरफ ऐसे टूट पड़ना है आपने जैसे हफ्ते से गन नहीं देखी हो। वो वाली इंटेंसिटी चाहिए हमें। अबे चढ़ जा, क्या कर रहा है, मरवाएगा क्या? अरे ये क्या हो गया, हटाओ इसे यार। चलते हैं आगे, ढूंढते हैं यहाँ पर क्या है। चलते हैं आप हम लोग स्टे कैसे ऊपर। अरे बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। जितनी मिलती है आपके यहाँ पर मैक्सिमम लूट अपलेट कर लें। हेल्थ किट मिल रही है यहाँ पर, बहुत बढ़िया। मेड किट मिल चुकी है हमें। और देखते हैं इस रूम के अंदर क्या है। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया गन्स के पार्ट मिल गए हमें। आई गेस गन मुझे बढ़िया लग रही है वाली। देख सकते हैं आप 38 लोग बचे हैं यहाँ पर लॉबी के अंदर। और नंबर, अबे भाई नंबर तो गायब हो गया, बुरा मान गया। अच्छा नहीं, बुरा नीचे थोड़ा दूर है वो, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम सेम एरिया में। क्योंकि ये जब ये वहाँ पर उतर गया इसका मतलब ये थोड़ा सपोर्ट तो दे ही देगा, वरना उतर। अबे करेक्टर, अरे 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 तेजी हो, फर्स्ट किल लिया तुम्हारे भाई ने यहाँ पर गर्मा गर्म। देख रहे थे तो इस घर की तरफ ही आ रहा था भागता हुआ। ठीक है, चेक करते हैं इन भाई साहब की चेस्ट के अंदर क्या है यहाँ पर। ठीक है, ओ एक करेक्टर आ रहा है। बचेगा नहीं भाई, बचेगा नहीं, आप टेंशन मत लो, निपटाया तुम्हारे भाई ने यहाँ पर। और फिनिश, 2 किल कर लिए हमने यहाँ पर। लॉबी के अंदर बचे हैं यहाँ पर सिर्फ 36 लोग। नंबर 2 अभी भी थोड़ा दूर है हमसे। अरे कैटर आ गया भाई, क्या भाई, कहाँ कहाँ प्रसाद मिल रहा है क्या, सब पैसा झुंड में घूम रहे हो। ओहो तेजी भाई से तेजी, अभी फिनिश करते हैं ऐसे यहाँ पर। अबे यार वहाँ से फायरिंग करा लेफ्ट से कोई कैटर मुझ पर, पीछे होते हेल्थ वाइल लो है यहाँ पर। मेडकिट यूज़ करते हैं, देखो वहाँ से भागता हुआ आ रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि मैं चला गया हूँ यहाँ से। अरे अरे हेल्थ लेने दे भाई,
अबे नहीं यार, ऐसे मारना ही पड़ेगा, एक गया वरना डिवाइड कर देगा। अब तेरी बारी है। रुक रुक रुक, बहुत बढ़िया। अरे अरे अरे, पीछे तो देखो। ओ भाई मेरी हेल्प नो कर दी। ओ भाई, अब हुआ क्या, वहाँ पर जो दूसरी वाली गन थी उसकी रेंज कम थी, तो वैसे भी मरता नहीं, मैं ही मर जाता। तो यहाँ पे हमें पिस्टल से मारना पड़ा, कट्टे का इस्तेमाल किया हमने। यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर 34 लोग अलाइव हैं और 4 किल तुम्हारे भाई ने कर लिए गरमा गरम। और नंबर दो अभी भी मस्ती कर रहा है मेरे भाई, नंबर दो अभी भी मस्ती कर रहा है। चेस्ट में इसके पास क्या है, अरे तो खाली थी। चलते हैं आगे सीधा, आप जानते हैं जिस भी एरिया पे आप लैंड करेंगे वहाँ पर आपको जितने भी घर मिलते हैं सब पे आपको लूट लाइट करनी है। इस चेस्ट में क्या है, प्लस आपको यहाँ पर जितने कैरेक्टर्स को आप मार दे। अरे, एक मिनट भाई साहब, मेडकिट किसी के पास भी नहीं है इस समय, देख रहे हो आप, और मेरे पास है तो मुझे यूज नहीं करने दे रहे यार। आते फायरिंग कर देते हैं। अच्छा, जो पी गई लोकेशन जहाँ पर अभी हम लैंड करें हैं, इस लोकेशन के अपने बेनिफिट भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। देखो, बेनिफिट तो ये हो गया कि एक तो काफ़ी ओपन ग्राउंड है, तो आपको एक तो करेक्टर को ढूंढने में आसानी मिलती है पोजीशन टीम के, ठीक है। उसके अलावा नुकसान क्या है, जिस तरीके से आपको देखने में आसानी हो रही है उनको भी आसानी होगी आपको देखने में, तो यहाँ पर थोड़ा रिस्क है। प्लस थोड़ा ओपन ग्राउंड है अगर, तो थोड़ा एक विजिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, ये वाली चीज़ भी है यहाँ पर। इस वजह से मुझे ये वाली जगह थोड़ी लैंड करने में बढ़िया लगती है, काफ़ी खुले खुले एरिया, ये नहीं कि घरों में से छुपे हुए हैं, आपको एकदम ओपन ग्राउंड मिलता है यहाँ पर। चेक कर लेते, चलते हैं यहाँ से हम लोग ऊपर। देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग बचे हैं सिर्फ 30 लोग लॉबी के अंदर, ठीक है। नंबर दो भाई साहब अलग ही मजे कर रहा है, वो अलग नशे कर रहा है वो, लेकिन आप देखें उसकी हेल्थ, यानी कि उसने अटैक झेला है और वो बच भी गया है। उठाते हैं यहाँ से कॉइन, 5 किल दोनों भाई कर चुके हैं। करेक्टर है नीचे, एक मिनट तेजी और व्हाट, चेक करते हैं यहाँ पर। अबे भाई वो घर के अंदर घूम रहा है, इसका मतलब घर के अंदर ही घूम रहा है गुंडा हमारे। चलते हैं यहाँ से आगे। अब देखो यार, मैं अंदर जाऊँगा तो रिस्क ना हो जाए, क्योंकि हमको नहीं पता प्लेयर कैसा है, वो हो सकता है हमें मार दे भाई। तो आपको यहाँ पर ये नहीं कि आप शेर बन के घूम रहे हो कहीं भी, थोड़ा सा आपको दिमाग से खेलना है यहाँ पे। हम लोग चलते हैं यहाँ से, अगर वो देखेगा तो अपना फायरिंग करेगा, अगर करेगा वो हम पे फायर तो हम लोग यहाँ पे उसको उल्टा फायर करेंगे। और कुछ है यहाँ पर बढ़िया सा, नहीं नहीं यार, तो मेरे हिसाब से यही सही रहेगी। चलते हैं आगे हम लोग, देख सकते हैं आप यहाँ पर 27 लोग बचे हैं। वो एक करेक्टर एकदम साइड में दिख रहा है हमें, मिनी मैप को आपको देखते रहना है क्योंकि वहीं से आपको पता लगेगा। 6 किलो गए हमारे यहाँ पर, जब तक आप लोग मिनी मैप के अंदर देखोगे नहीं आपको आइडिया लगेगा नहीं कि कैरेक्टर की पोजीशन कहाँ पर है, क्योंकि जैसे वो लोग फायरिंग करते हैं मिनी मैप के अंदर आपको पोजीशन दिख जाती है। एक कैरेक्टर अभी भी मार चढ़ा है सामने की तरफ से, लेकिन उसकी हम डायरेक्ट ऐसे फायरिंग नहीं करेंगे, थोड़ा दूर है वो। पहले इसकी चेस्ट पर चेक कर लेते हैं क्या था यहाँ पर, क्योंकि आपको अल्टीमेटली चेस्ट और वेस्ट तो चाहिए। अबे यार ये नहीं रुकने वाले, लगता है हमें मारना पड़ेगा। ये देखो, ये वो था जो अंदर घर में छुपा हुआ था ना, जैसे मिले थे हम लोग, धप्पा करके भाग गया पीछे तो देखो। ओ भाई तो बच ही जाता, लगभग काफ़ी तक भाग चुका था यहाँ पर तुम्हारे भाई से बच नहीं पाएगा बिल्कुल भी। पेलते हैं, से भेजते हैं पहली फुर्सत से, कर लिए हमने 7 गर्मा गर्म किल, 24 लोग बचे हैं यहाँ पर लॉबी के अंदर। लाइव चेक कर लेते हैं, मैट किट भी हमें मिल चुकी है बहुत सारे यहाँ पर। मैट किट तो यार आपको रखनी ही पड़ेगी अपने बैग के अंदर, क्योंकि आपको नहीं पता क्रेटर्स कब सामने आ जाएंगे और कब आपको उसकी नीड पड़ जाएगी। अगर आप सोचेंगे कि मैं बाकी चीज़ रख लेता हूँ, मैट किट को आप रहने देते हैं, तो यार ऐसे आप गेम को लंबा नहीं खींच पाओगे, क्योंकि बिना हेल्थ करोगे क्या। हालांकि देख सकते हैं हमारे पास जो अभी वेस्ट है वो भी यार लेवल 3 की नहीं है, लेवल 3 की मिल जाए तो और मज़ा आ जाए, ठीक है। 23 लोग बचे हैं यहाँ पर अब बस, और नंबर तो काफ़ी तक पास आ चुका है, आ गया पास। जैसे जैसे एरिया श्रिंक होगा ये और पास आ जाएगा, क्योंकि अकेला बंदा करेगा क्या। करेक्टर वो रहा, देखो सामने की तरफ, वो देखो दिख रहे हैं, वो देखो भाई साहब दिख रहे हैं आपको। अबे नहीं, ये तो चेस्ट है, चमक वैसे रहती, दूसरे देखने में लग रहा था कि इंसान खड़ा हुआ है।
यहाँ पे है कुछ। ओहो भाई साहब मेडिकेट की भाई सेल चल रही है यहाँ तो। वो भी करेक्टर राइट में भाग रहा है। अच्छा, ये नंबर 2 के पास जा रहा है, लेकिन इसको ये बता मैं साइड में खड़ा हुआ हूँ। अभी पहलते हैं ऐसे और देखते हैं यहाँ पर नीचे भी कोई और आ रहा है क्या। लो भाई उसने उसे मारना शुरू कर दिया, तो पहले इसे निपटाना पड़ेगा हमें यहाँ पर। अरे अरे इसे पता ही नहीं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। आजा आजा आजा, अरे 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 वाह यस। अरे 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 सामने से भी आ चुका है एक और। आपको एम होल्ड करना है, लॉक करना है हमको, फायर करना है। देखो फिनिश ईजी, नॉकिल कर चुके हैं आप लोग, बचे यहाँ पर 20 लोग अलाइव। चेक करते हैं इसके पास क्या आता है यहाँ पर। बहुत बढ़िया मेडकिट मिले, आप लूट लो भाई, सारी खींच लो सारी मेडकिट जैसी मिले आपको। वे करेक्टर लेफ्ट से भी आ रहा है। अरे अरे सबके सब भाई साहब हाथ धो के पड़ गए नंबर 2 के पीछे। क्यों? क्योंकि वो फायरिंग नहीं कर रहा। पर एक मिनट, ये घर के अंदर कर क्या रहा है अगर ये फायरिंग नहीं कर रहा तो? इसको भी देख के आते हैं अभी अंदर क्या कर रहा है ये। पहले यहाँ चेक कर लेते हैं कैसा है। तो गाइस बचे हैं यहाँ पर 19 लोग लॉबी के अंदर और किल कर चुके हम लोग 10 गर्मा गर्म यहाँ पर। यार धमाकेदार गेम, आप लोग जानते हैं जब से फ्री फायर मैक्स आया उन्होंने ग्राफिक्स को कर दिया इतना ज़्यादा एनहेंस कि खेलने में मज़ा आता है, देखने में मज़ा आता है। देख सकते हो जो आपको थंडर इफेक्ट दिख रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली इस समय हम गेम खेल रहे हैं मैक्स ग्राफिक्स के अंदर, तो थंडर एकदम आपको क्रिस्प मिल रही है देखने के लिए। मैट किट मिल रही है, बहुत बढ़िया। हेल्थ हमारी थोड़ी कम है, ले लेते हैं यहाँ पर, यूज़ कर लेते हैं। हर तरफ आप लोग देखते रहें, अलर्ट रहना है आपको यहाँ पर, चेक करते रहें हर तरफ यहाँ पर। लेकिन पहले जो मेरे अंदर डाउट आ रहा है दिमाग के अंदर, वो ये है कि ये नंबर तो कर क्या रहा है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हो सकता है यूपीएससी में आ जाए। कि ये नंबर तो घर के अंदर क्या कर रहा है और ये फायरिंग क्यों नहीं कर रहा। ये देखें आप मस्त कूद रहे हैं आप। अच्छा कूदने का कंसेप्ट तो आप लोग जानते हैं कि फुटस्टेप की आवाज़ आती है, करेक्टर भागता हुआ आ रहा होगा। क्योंकि अगर आप कूदोगे नहीं हो पीछे से करेक्टर भागता हुआ आ रहा होगा, आप ही भाग रहे हो तो आपको पता ही लगेगा कि करेक्टर आ रहा है या नहीं आ रहा। ओहो दो बंदों की फायरिंग चल रही है वहाँ पर। अब देखो यार दो बंदे आपस में फायरिंग कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसे में तीसरा बंदा फ़ायदा ना उठाए तो यार ऐसे कैसे चलेगा भाई, ऐसे कैसे। ये देखो तो वहाँ बिजी, हमने यहाँ पे खेल दिया। एक करेक्टर और भी है यहाँ पर सामने की तरफ, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ चेक कर लेते हैं अंदर क्या था। इसे देखो रेंगता हुआ जा रहा है। फिनिश किया। अबे नंबर 2 कहाँ बैठा हुआ है कोने में भाई, तभी इसे मार रहे हैं सब। वो एक करेक्टर ऐड से भागता हुआ है और एक सामने भी है, पहले इसे पेल लेते हैं यहाँ पर। बच के। अरे अरे यस बहुत बढ़िया, 16 लोग बचे हैं यहाँ पर। करते हैं यहाँ पे से फिनिश, तुम्हारे भाई ने कर लिया यहाँ पर 12 किल और बचे हैं सिर्फ 15 लोग लॉबी के अंदर अलाइव। यानी कि आप लोग जानते हैं अब जो एरिया है वो मैप के अंदर श्रिंक होने वाला है और बैटल जो है वो और ज़्यादा इंटेंस होने वाला है। यानी कि आपके जो अलर्टनेस है वो इस समय मैक्सिमम चाहिए भाई। करेक्टर सब कहीं से भी आएंगे भागते हुए कूदते हुए, देखो अरे सर पार्क में घूम रहे हैं सर, मिलने नहीं आएंगे हमसे। एक करेक्टर और भी है वहाँ पर पीछे की तरफ, लेकिन देखते हैं क्या वो सामने से फायरिंग करता है या फिर छुपा रहता है वहीं पे। क्योंकि देखो अब एरिया श्रिंक होगा तो उसे आगे तो आना पड़ेगा, अब आगे बढ़ेगा हम लोग पहले से ही यहाँ पर हैं तो उसके बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं यहाँ पर। करेक्टर सामने आ चुका नंबर 2 को मार रहा है और हमने इसे मार दिया। आप क्रोनोलॉजी समझिए। अब नंबर 2 छुपा हुआ है, अब करेक्टर को पता है वहाँ पर छुपा हुआ है, वो जा रहे हैं चेक कर रहे हैं, देखते करेक्टर बैठा हुआ है छुपा हुआ है, तो उनका ध्यान कहीं आसपास होता नहीं है, मारने बैठ जाते हैं कि भाई किल बढ़ जाएंगे हमारे, इस चक्कर में मारे जाते हैं। 13 लोग और साथ में 14 किल, मस्त समान करेक्टर एकदम जोशीला खुश कूदता हुआ नाचता हुआ एकदम मस्त देख सकते हैं आप यहाँ पर। और देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है कि सेफ जोन जो है वो श्रिंक होने वाला है यहाँ पर, जो कि ऑब्वियसली होने वाला है बिल्कुल। यानी कि करेक्टर अब बाहर से जो आपका डेंजर एरिया है वहाँ से भागते हुए आएंगे सेफ एरिया की तरफ। अब ऑब्वियसली करेक्टर भागते हुए आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको बैटल प्लस, क्योंकि यहाँ पे हम लोग खेल रहे हैं डीओ तो दो बंदे आएंगे भागते हुए, तो यहाँ पर अगर आप अकेले हैं तो थोड़ा पंगा हो सकता है। करेक्टर मुझे लेफ्ट में भी दिखाया है करेक्टर, हाँ उस तरफ लेफ्ट में भी एक करेक्टर है। तो इस तरीके से आप करेक्टर्स को स्पॉट करें, क्योंकि अगर आपके पास स्नाइपर नहीं है और आप मारने बैठ जाओ मारने भाग जाओ तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। चल रहे हैं यहाँ से आगे। अरे 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 तेज़ी, अरे अरे बहुत बढ़िया खेल किया तुम्हारे भाई ने यहाँ पर गर्मा गर्म। देख रहे हो अभी मैं आपसे कह रहा था
तो कैरेक्टर सब नीचे से भागते हुए आएंगे क्योंकि सेफ जोन जो है वो यही बन रहा है। अब जब सेफ जोन यही बन रहा है तो यहीं भाग के आना पड़ेगा इनको। एक कैरेक्टर सामने आ चुका है, इसे भी फिनिश करते हैं। नंबर दो के तो ऐसे पीछे पड़ गए हाथ धो के जैसे इनकी बहन भगा दी उसने। सारे भैया मिल के आ गए भाई कि इतनी हिम्मत तेरी, सारे गुंडे बुला लिए इसने अपने। और बेचारा नंबर दो हिल भी नहीं पा रहा, वो वहीं घुसा हुआ है घर के अंदर, बैठा हुआ है कोने में, हिल भी नहीं रहा वो। चलते हम लोग यहाँ से आगे की तरफ। अब मैं यहाँ पर लिख तो रहा हूँ स्टे टुगेदर, पर ये भी कह रहा होगा भाई अब इससे ज़्यादा स्टे टुगेदर क्या करूँ, तो नहीं जेब में आ जाऊँ मैं, क्योंकि बेचारा घर के अंदर छुपा हुआ है, कुछ कर तो रहा नहीं है वैसे भी। ओ दो कैरेक्टर्स फायरिंग कर रहे हैं आपस में, अब दो कैरेक्टर्स फायरिंग कर रहे हैं और आपने मेवा नहीं खाया। तो भाई कैसे गेमर हैं आप, वो देखो ये देखो निकला वहां से भागता हुआ, और ये आपने पहली गोलियां। अब इस दिन ऊपर देखेगा इतने आप फिनिश कर देंगे, यहाँ पर निपटाते हैं यहाँ पर इसे और ख़त्म किया। दे सकते हैं 8 लोग बचे यहाँ पे लॉबी के अंदर, एक कैरेक्टर सामने भाग रहा है ऊपर की तरफ, और 17 किल हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। चलते हैं उस तरफ। अब उस तरह कैरेक्टर घूम के भी आ सकता है वो, वरना डायरेक्टली भी यहाँ से ऊपर आ सकता है, क्योंकि अगर हमने उसको देख लिया तो उसने भी हमें देख ही लिया होगा। अरे ये देखो मैंने कहा था ना, ये मैं आपसे कह रहा था, क्योंकि अब क्या ह्यूमन नेचर है भाई, अगर आप थोड़ा बहुत यहाँ पर लोगों की साइकोलॉजी समझेंगे गेम के अंदर, तो पता लग जाएगा कैरेक्टर्स बेसिकली उनका जो मूवमेंट रहता है वो क्या रहता है। ये देखो इसे देखो, अरे अरे सर पीछे तो देखें, पेल दिया भाई चलते चलते एकदम मस्त। 19 किल हो गई हैं हमारे भाई, 19 किल हो चुके हैं, और 6 लोग बचे हैं लॉबी के अंदर यहाँ पर, और सेफ जोन जो है वो और छोटा हो रहा है, यानी कि और कैरेक्टर्स भागते हुए आएंगे यहाँ पर। अब यार एक वेस्ट मिल जाती ना लेवल 3 की अगर, तो मज़ा आ जाता यार। कोई बात नहीं, पर यहाँ पर थोड़ी लूट की दिक्कत हुई है हमें यहाँ पर, और जितने लोगों को मार रहे हैं इनके पास भी नहीं है, सबसे बढ़िया बात, ये लोग भी ऐसे घूम रहे हैं। नंबर दो और भाई से मार के आ रही शायद, खत्म किया ऐसे यहाँ पर हमने। अरे बेचारा नंबर दो भाई घर में बैठे बैठे मारा गया, थोड़ा हिल हिल के मार थोड़ा हिल जाता बेचारा तो थोड़ा बहुत बच जाता, लेकिन नहीं बैठा रहा वहीं कोने में, हिला नहीं वो। फिर यहाँ पर दो बंदे की आपस में फाइट चल रही है, अरे वो रहा। हालांकि इस समय हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में हैं, और आप लोग जानते हैं मोबाइल फ़ोन्स के अंदर यार सेंसिटिविटी देखो ठीक है, नया फ़ोन है वो सब भी ठीक है, लेकिन तब भी मोबाइल में जो चीज़ है वो इतनी नहीं आ सकती जो कि चीज़ आपको पीसी दे सकती है। ये तो आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा, ये डिफरेंस तो है ही भाई, और ये रहने भी वाला है। तो फिर भी आप लोग मैक्सिमम ट्राई करें, जैसे मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ। अरे रिलोडिंग, करेक्टर कहाँ है, वो निकल गया बाहर, दे सकते हैं आप। अब यहाँ ट्राई करते हैं, एक तो ऐसे कॉन्टिन्यूस फायर मुझे करना नहीं चाहिए, पर मैं भी यहाँ पर अलग मस्ती कर रहा हूँ। अरे भाई पट से हेडशॉट लगा उसका एकदम से, वो भी ओ भाई गजब भाई गजब। तो दोस्तों हमें बचे सिर्फ 2 लोग अलाइव यहाँ पर, यार क्या हम लोग यहाँ पर बुरा निकाल पाएंगे। 21 किल तुम्हारा भाई यहाँ पर कर चुका गर्मा गर्म। पहले हम लोग चेक करते हैं वहाँ पे क्या है। यार एक लेवल 3 की वेस्ट चाहिए भाई, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं हेड एम नहीं करता, जो वेस्ट वाले एरिया में उसको अटैक करता हूँ मैक्सिमम जो है। चलते हम लोग आ गए यहाँ पर। यार एक बंदा कहाँ छुपा होगा इतने छोटे एरिया में यार। चलते हम लोग यहाँ से आगे की तरफ। हाँ दे सकते हैं, मैं हर तरफ चेक कर रहा हूँ यहाँ पे करेक्टर्स कहीं से भी। अबे नहीं नहीं नहीं, अबे शिट 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 पीछे छुपा हुआ था। अबे यार क्या खेलते हैं ये लोग यार। कोई बात नहीं, हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पर, पेलते हैं ऐसे यहाँ पर। ओ अबे शिट 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 यार, लास्ट किल अबे बन गया यार ये बुआ यहाँ पर। अबे यार ये छुपा हुआ था पेड़ के पीछे, इसने हमारी आधी हेल्थ तो वैसी लो कर दी थी, जब तक मैं रोटेट हुआ तब तक इसने मार दिया। कोई बात नहीं यार कोई बात नहीं, 21 किल करिए तुम्हारे भाई ने यहाँ पर, डैमेज दे सकते हैं आप लोग यहाँ पर। 3623 का रेसलर का टैग मिला हमें यहाँ पर, और नंबर 2 को मिला निंजा का। हाँ निंजा जो बैठा रहता है
हद है यार। कोई बात नहीं यार, गेम है देखो, कभी आप जीतोगे कभी आप हारोगे, लेकिन मैंने आपसे स्टार्टिंग में हर वीडियो में कहा है कि मैं आपको देता हूँ एकदम नेचुरल गेम प्ले। कुछ ये नहीं है कि मैं अगर जीत रहा हूँ तो ही डालूंगा मैं। गेम प्ले अच्छा गया है, मुझे अच्छा लगा, किल अच्छी निकली है, मज़ा आ रहा है, तो मैं भाई डाल देता हूँ। ये नहीं है कि भाई बुरा निकला तो मैं गेम प्ले नहीं डालूंगा। कोई बात नहीं यार, बुरा निकला, लेकिन हम लोग लास्ट तक पहुँचे, यहाँ पर लास्ट किल निकाल लेते हैं, अगर वो छुपानी होता वहाँ पर। तब तक आप लोग इस गेम को खेलें, मज़े करें, फ्री फायर मैक्स को ट्राई जरूर करें अगर आपने तो ट्राई नहीं किया है। ग्राफिक्स में बहुत ज़्यादा एनहेंसमेंट करी है इन लोगों ने, आपको मज़ा आ जाएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, आपको वीडियो कैसी लगी वो आप कमेंट करके बताएं, और आपका एक्सपीरियंस गेम को खेलने कैसा रहा वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं, और कौन सी गेम की वीडियोस आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपने मेरे फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर करें, और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग गेम रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियो ज़ोन को सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने अमेजिंग फ्रेंड्स से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक्स।